направлении на внешней политике США. Спасибо, Ли. हाल ही में संपन्न हुए G20 समिट में दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों ने भारत का जलवा देखा है। देखिए दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी और भारत की मेहमान नवाजी के मुरीद होकर गए। रूस से एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर देश से प्यार करने वाला हर आदमी खुश हो उठेगा, क्योंकि दुनिया की एक और महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष अब मोदी के मुरीद हो चुके हैं। ये कोई और नहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देकर सही काम कर रहे हैं। पुतिन ने मंच से मोदी और मेक इन इंडिया की तारीफ में कहा, आप जानते हैं हमारे पास पहले घरेलू स्तर पर बनाई गई कारें नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास वो सब है। ये सच है कि मर्सिडीज या ऑडी कारों की तुलना में ये अधिक मामूली दिखती हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने कई साझेदारों का अनुसरण करना चाहिए। मिसाल के लिए भारत, वे अपने देश में निर्मित वाहनों के निर्माण और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी सही तरह से काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में वो सही। Encouraging people to use the brand made in India. दरअसल मंगलवार को रूसी बंदरगाह वाले शहर व्लादिवोस्तोक में 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में रूस में बनी कारों पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान मीडिया के एक सवाल के जवाब में रूसी राष्ट्रपति ने ये बात कही। रूसी राष्ट्रपति ने फोरम के संबोधन के दौरान ये भी विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जो रूस के लिए बाधा बन सके। 8वीं ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम की बैठक 10 से 13 सितंबर तक रूस के सुदूर पूर्वी शहर में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। पुतिन के संबोधन के दौरान वो भी वहां मौजूद थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।